हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द पोलर फॉर्म ऑफ वन प्लस आई। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए R क्या है, R है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, जो कि हम लोग निकालेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इसको हम लोग मॉड जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या R क्या हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस हो जाएगा। और थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा है इसका ऑर्गुमेंट, ऑर्गुमेंट ऑफ जेड, जो कि थीटा से डिनोट किया जाता है। और वो कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स बी अपॉन ए से, मॉड ऑफ बी अपॉन ए से। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए वन प्लस आई दे रखा है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें ए प्लस आई बी से, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, और बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वन। तो सबसे पहले तो आर निकाल लेते हैं। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ टू आ गई आर की वैल्यू। अब थीटा निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी, यानी कि वन अपॉन वन। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वन, यानी कि थीटा की वैल्यू आ रही है पाई बाई फोर, ठीक है। अब इसका पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, आर यानी कि अंडर रूट ऑफ टू और ब्रैकेट में कॉस थीटा की जगह पे कितना, पाई बाई फोर प्लस आई साइन थीटा की जगह पे पाई बाई फोर। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।